कि जब शादी नहीं होगा और शादी का कोई मायने नहीं है तो इसका भी शादी का कोई मायने नहीं है। जब कोर्ट में शादी हो सकता, तलाक हो सकता, ये मंदिर का शादी का क्या? कह रहे हैं कि गुलछर्रा उड़ाने में मजा आ रहा था, उस टाइम नहीं सोच रही थी आप कि हमको रखेगा कि नहीं रखेगा। और जब नहीं रख रहा तो आपको बहुत अपना इज्जत का और प्यार मोहब्बत याद आ गया। यानी प्यार में जब दोनों साथ सोई, दोनों की मर्जी से हुआ सुहागरात, प्यार से पहले मना लिया गया, आप उस सुहागरात को शादी का नाम, यानी कहाँ लिखा हुआ कि हम प्यार करेंगे तो आपसे शादी करेंगे? ये लोग दो कौड़ी की लड़की के वजह से, ये लोग का खुद का कैरेक्टर तो है नहीं और समाज को भी गलत ठहरा दिया ये लोग। इन लोग के वजह से हमारी बिहार की बेटियाँ, हमारी समाज की जो बेटी है उसके ऊपर भी कलंक लगी करके रखी है। अपने आप को बोलती कि हम प्यार करते हैं तो पहले तो उसका प्यार का भूत मेरे सामने लाए तो हम उतार दे, ऐसा थप्पड़ मारे कि उसका प्यार का भूत तुरंत एक मिनट में उतर जाएगा। लड़की का नजायज फायदा उठा रही है, हाँ लड़की होने का नहीं है, पूरा सिंदूर उंदूर लगा कर घुसी कि हमारा शादी हो गया हंस रही थी। वो आपको सिंदूर दिख रहा था, हमको तो कोनो एंगल से सिंदूर नहीं लग रहा था, हमको तो लग रहा था भर मंग गांजा भर ले गांजा। ऐसा वैसे में तुमको लग रहा है कि वो पी के भी पगलाई हुई है, हो सकता है उसका एक आगो स्क्रू है ना जो ढीला के लिए ना पटना में भी रेड लाइट एरिया खोल दिया जाए सबसे बढ़िया रहेगा। आज इसके साथ कल इसके साथ मन भरा छोड़ दो, चलो तुम लोग लौंडा जैसा देखने में लगती है, कोई प्रोफेशनल देखने में लगती है जी, किसी भी एंगल से वो जो एनजीओ की औरत है प्रोफेशनल लगती है देखने में, हमको तो लगता है वही दो नंबर के धंधा। तो अभी पटना में पूजा और गणेश की लव स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है, यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की जाकर घर पर ड्रामा कर रही है, घर पर धरना दे दी है लड़का के घर पर जिसका नाम पूजा है, क्या कहेगा इस प्यार को कि प्यार कीजिए या घर पर धरना दे दीजिए? इसको कैसे प्यार कह सकते हैं आप, जबरदस्ती है क्या प्यार? जबरदस्ती है क्या प्यार? फील है, फीलिंग है, अटैचमेंट है। ऐसे जबरदस्ती हम किसी के घर में धरना दे देंगे तो वो मेरे को एक्सेप्ट कर लेगा? अब कोई वैसे लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेगा? आपको पता है उसके बारे में? वही पूजा जो पटना सिटी की है ना? हाँ, पटना सिटी वाली। उसके बारे में भी आप जानते हैं? साथ छानबीन कर लीजिए कि वो हर महीने हर साल में लड़का बदलती है तो वो कैसे किसी से प्यार कर सकती है? आज गणेश को फंसाई, परसों किसी और को फंसाई, क्या है वो तो प्यार का नाम ही नहीं। एक, एक आवेदन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो एक साल पहले मुगलसराय पुलिस ने बरामद किया था, एक लड़का के साथ भाग गई थी, ये जानकारी है आपको? बिल्कुल है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप पहले छानबीन कर लीजिए कि वो लड़की है क्या चीज, मुझे इतना नौटंकी करके रखी है, अपने आप को बोलती कि हम प्यार करते हैं तो पहले तो उसका प्यार का भूत मेरे सामने लाए तो हम उतार दे, ऐसा थप्पड़ मारे कि उसका प्यार का भूत तुरंत एक मिनट में उतर जाएगा। लड़की का नजायज फायदा उठा रही है, हाँ लड़की होने का नजायज फायदा उठा रही है। आप किसी के जबरदस्ती घर में घुस गए हैं, जबरदस्ती कह रहे कि हम उसके साथ रहेंगे, कोई जबरदस्ती आपको रख लेगा? जबरदस्ती का प्यार है? चार गो महिला को ले जाकर एनजीओ चिल्ला कर उस महिला को जिसको एनजीओ का नाम तक लेने नहीं आता है वो महिला जाती है वहाँ उसका सपोर्ट करती है। जब ये आवेदन सब अब चलेगा ना स्क्रीन पर तब उसका पर्दाफाश होगा कि लड़की नौटंकी कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। एक बात जान लीजिए, जो एनजीओ को उठा के ले गई है हमको तो लगता है वो एनजीओ लड़की को सप्लाई करती है। जिस तरह से वो लोग लौंडा जैसा देखने में लगती है, कोई प्रोफेशनल देखने में लगती है जी, किसी भी एंगल से वो जो एनजीओ की औरत है प्रोफेशनल लगती है देखने में, हमको तो लगता है वही दो नंबर के धंधा करती है, वैसा वो नजर आती है। एनजीओ जाता है उस परिवार वाले को, यानी कोर्ट किसी के, सुनिए ना, किसी के घर में भी घुसने का अधिकार, कोर्ट बोलता है कागज लीजिए, परमिशन लीजिए, ऐसे सीधा घुस गया घर में। अरे कानून है ना भाई, आप एनजीओ चला रहे, आपके पास क्या है, क्या गाइडलाइन है? सरकार आपको गाइडलाइन दिया है, मोहर लगाया सरकार कि आप एनजीओ चलाइए, आपको किसने हक दे दिया, किसने आपको बोला एनजीओ चलाने के लिए? और वो भी बिना छानबीन किए आप उस लड़की का पटिशन ले रहे हैं। आज अगर वो लड़का मर जाता है तो फिर क्या होगा? पूजा पूरे उस परिवार को डिप्रेशन में डाल दी है, कभी कहती है एक माह का बच्चा है, उसका भी वीडियो मौजूद है, और एक वीडियो में कहती है बच्चा नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, यानी पूरा परिवार को डिप्रेशन में डाल दी है, घर पर धरना दे दी है, घर परिवार सब वहां से भागा हुआ है, एक मम्मी है उसकी लड़का की जो बेसहारा माँ उस घर में पड़ी हुई है, बैठी हुई है, और ये जो हर साल भागती है, दिल्ली भागी, जीआरपी पुलिस बरामद करवाई, फिर न जाने कितने गुल खिलाकर ये उस घर में धरना दे दी है, और वहाँ के कुछ माफिया उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन घर वाले वहाँ से अब भाग गए, घर वाले का कौन सपोर्ट करेगा? लड़का हर जगह लड़के गलत रहता है, जबरदस्ती मंदिर में शादी करा दिया गया उसका। हम नहीं कह रहे कि लड़का गलत है, तो प्रोफेशनली बोल रहे हैं कि वो लड़का गलत नहीं है, क्यों गलत है भाई? जब नहीं करना है शादी तो नहीं करना है, ठीक है आपके साथ रिलेशन बनाया, क्या बनाया नहीं बनाया, वो लड़की क्या कह रही है कि हम अपना हस्बैंड के साथ सोएंगे तो क्या वीडियो बरामद करेंगे? तो फिर हम कैसे मान ले कि तुम प्रेग्नेंट हो?
पहले चेकअप करवा, दो चेकअप कि तुम हो प्रेग्नेंट। सुनिए, जब वो सोई है उस लड़का के साथ तो लड़का जबरदस्ती सुआ है क्या? वही तो, दोनों राजी हुआ तब ना। वही तो हम कह रहे हैं कि गुलछर्रा उड़ाने में मजा आ रहा था, उस टाइम नहीं सोच रही थी आप कि हमको रखेगा कि नहीं रखेगा। जब नहीं रख रहा तो आपको बहुत अपना इज्जत का और प्यार मोहब्बत याद आ गया। यानी प्यार में जब दोनों साथ सोई, दोनों की मर्जी से हुआ सुहागरात, प्यार से पहले मना लिया गया, आप उस सुहागरात को शादी का नाम, यानी कहाँ लिखा हुआ कि हम प्यार करेंगे तो आपसे शादी करेंगे? ये लोग दो कौड़ी की लड़की के वजह से, ये लोग का खुद का कैरेक्टर तो है नहीं और समाज को भी गलत ठहरा दिया ये लोग। इन लोग के वजह से हमारी बिहार की बेटियाँ, हमारी समाज की जो बेटी है उसके ऊपर भी कलंक लगता है। ऐसी घटिया घटिया लड़कियों के चलते हमारी मोहल्ला की लड़की को घर से निकलना बंद हो जाता है, ये दो कौड़ी की लड़कियों की खातिर। ये लोग, हमको तो लगता है इन लोगों को सही बताए तो बंगाल के कोठा पे भर्ती करवा दे, सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो इस ऐसी ऐसी लड़कियों के लिए ना पटना में भी रेड लाइट एरिया खोल दिया जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। आज इसके साथ कल इसके साथ मन भरा छोड़ दो, चलो निकलो। यानी सबको ब्लैकमेल कर रही है ये पूजा नाम की लड़की, या सबको ब्लैकमेल कर पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है। आज उसकी, हो सकता है उसकी माँ डिप्रेशन में आ जाए, जहर खा ले, हो सकता है लड़का कहीं भागा हुआ है 3 दिन से। ये तुच्छ मीडिया वाला जो है ना उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं टीआरपी के लिए, लेकिन हम इतना कह देते हैं कि जो जो लड़की का खुद का कैरेक्टर ही नहीं है, खुद का अस्तित्व नहीं है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? क्यों टीआरपी बढ़ा रहे हो? आपके घर में माँ बहन नहीं है, आपके घर में माँ बेटी नहीं है, ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है आपकी माँ बेटी, तभी तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं बिना जाने पहचाने। हम तो सिंपल सी बात है कि थाना में देख रहे थे, हम थाना में भी देख रहे हैं, फूल चल रहा है, नौटंकी लग रहा, थाना भी नौटंकी का घर बन गया है, लग रहा था बार क्लब और नौटंकी का घर ही है थाना। ये जो गर्दनी बाग का महिला थाना, पूरा हंगामा हो गया था वहाँ, हंगामा हुआ प्रशासन को तो 24 घंटा में उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेना चाहिए, पूरी उसकी रिपोर्ट निकाल लेना चाहिए कि वो लड़की का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन क्या कर रही है ये? अच्छा, एक चीज देखी थी आप, जब मंदिर से शादी होकर निकला तो लड़का बोल रहा था कि जबरदस्ती शादी करा दिया गया है, क्या जबरदस्ती शादी शादी होता है? और लड़की हंस रही थी, जुबान निकाल रही थी। बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन पहले ना धारा हाईकोर्ट लगाया है कि जबरन शादी नहीं होगा और शादी का कोई मायने नहीं है, तो इसका भी शादी का कोई मायने नहीं है। जब कोर्ट में शादी हो सकता, तलाक हो सकता, ये मंदिर का शादी का क्या वैल्यू है? आज की जो लड़की है, आज की जनरेशन की, सिंदूर का वैल्यू जानती है? थोड़ा सा रील्स बनाएगी पूरा मांग भर लेगी, वाह क्या तो घर में घुसी पूरा सिंदूर उंदूर लगा कर घुसी कि हमारा शादी हो गया, शादी हो गया, हंस रही थी। वो आपको सिंदूर दिख रहा था, हमको तो कोनो एंगल से सिंदूर नहीं लग रहा था, हमको तो लग रहा था भर मांग गांजा भर ले गांजा। वैसे में तुमको लग रहा है कि वो पी के भी पगलाई हुई है, हो सकता है उसका एक आगो स्क्रू है ना जो ढीला हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पागलपंथी करी है ना तो स्क्रू ढीला हो गया उसका। लास्ट पूछेंगे आपसे, कहाँ तक सही है कि हम प्यार करें, शादी से पहले सुहागरात मना ले और जब शादी मंदिर में हो तो घर में धरना दे दे? अरे बोले ना कि जो ये दो कौड़ी की जो लड़की है ना, शरीर में तो जान है नहीं, कौन रहेगा इसके साथ, क्या इसकी औकात है? ये बोल रही है मेरा 9 लाख दे दी, बाहरे बाहर 9 लाख जो लड़का कोई दे गई, ये लड़की अभी यहाँ रहती, ये तो आप फुलंगिया पे चढ़ के कूदती कि हम तो तुरा पैसे दे दिए। बताइए, वो प्यार करती तो उसकी माँ का रिस्पेक्ट करती, जो लड़की प्यार करती है लव मैरिज करके जाती है उसका तो आवाज नहीं निकलता है। लग रहा कि जैसा भाव 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 पूरा पटना सिटी को बाप का राज समझ रखी है और किसी को तो समझती ही नहीं है, ना थाना को ना प्रशासन को, लगता सब इसका क्या यार बोले या प्यार बोले, सब लगता इसका क्या गलत लैंग्वेज निकल जाएगा। तो चलिए, तो क्या सोचते हैं ड्रामा क्वीन पूजा के बारे में जो पटना सिटी में बवाल मचा के रखी है, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।